हेलो फ्रेंड मुश्ताक अंसारी, राइट नाउ अभी हम है बांद्रा ईस्ट में, जो गेटी गैलेक्सी के जस्ट अपोजिट साइड पे है, रेलवे ट्रैक के क्रॉस। और हमारे पीछे जस्ट है एक शमशान भूमि, जो इलेक्ट्रिकल अभी जस्ट नया कुछ ही सालों पहले बनाया था, एक हिंदू शमशान भूमि है इलेक्ट्रिक वाला। और इसके जस्ट बिल्कुल बाजू में लगकर एक मुस्लिम कब्रस्तान है, और ये दोनों जगह पे आने का रोड एक ही है। ये नौपाड़ा के जस्ट बाजू में लगकर रोड आता है, इसका आधा रोड है बीएमसी का, और ये अंदर का रोड स्टार्ट होता है ये रेलवे के अंडर में, वेस्टर्न रेलवे। और दोनों में ब्लेम गेम चालू है, और अंदर का हालत का रोड आप देखो तो बहुत ही खतरनाक रोड है। वहाँ पे रोड बिल्कुल बचा ही नहीं है, पूरा पानी हमेशा जमा रहता है। तो जितने भी लोग यहाँ पर पूरे कब्रस्तान के जो भी लोग आते हैं शमशान के तरफ से क्रिमेशन के लिए, उनको इसी रोड से गुजर के आना पड़ता है। यहाँ पे रोड बिल्कुल बचा नहीं है, तो यहाँ के जो काफ़ी सारे लोग इसके लिए परेशान हो रही है। हमारा ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर अच्छा एक रोड, अप्रोच रोड बनाया जाए, ताकि कभी भी दिन में, रात में, कभी भी कुछ भी, किसका भी क्रिमेशन यहाँ पे होता है तो अच्छे से आदमी इधर आराम से पहुँच सकता है। अभी हमको नेक्स्ट वीडियो में आपको जस्ट रोड का कंडीशन दिखाएंगे, आप खुद ही डिसाइड कीजिए। ये जिसके भी अंडर आता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अर्जेंट बेसिस पे इसका रोड का मरम्मत कीजिए। अब देख सकते हो रोड का कंडीशन किस तरह से है, ये पूरा तालाब की तरह है, छोटा सा रिवर है, रोड के अंदर एक रिवर है। देखो सामने से गाड़ी आ रही है, किस तरह से बहुत ही तकलीफ है। जब गाड़ी ऐसा गुजर रही है तो आदमी कैसा चल के आएगा। कम से कम 2 फुट का पानी। मस्जिद है उसके बिल्कुल लक्कर है शमशान भूमि, और दोनों का रोड आने का रोड बस एक ही है, सेम रोड है। यहाँ पर भी सेम तरह पानी ऊपर सेगमेंट है, इससे मच्छर भी, मलेरिया वगैरह काफ़ी पैदा हो सकता है। यहाँ बाजू में रेजिडेंशियल एरिया है, बिल्डिंग कॉलोनी है। ये है नज़ारा अभी राइट नाउ का, जब बारिश कम्प्लीटली रुका हुआ है, आज ड्राई स्पेल है। और ये पूरा रोड कम से कम 4 से 5 फीट का पानी जमा होता है, घुटने के ऊपर तक आता है जब मानसून होता है, तो यहाँ पर पानी जाने का बिल्कुल रास्ता ही नहीं कहीं पर भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।